हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं सर्वाइवरशिप कर्व के बारे में, ठीक है। उससे पहले हम जान लेते हैं कि नेटलिटी और मोर्टलिटी, आपको ये दो टर्म्स अच्छे से क्लियर होने चाहिए, तभी आप जाके सर्वाइवरशिप कर्व के बारे में जान सकते हैं, ठीक है। तो नेटलिटी क्या होती है? बर्थ रेट। नेटलिटी को हम क्या बोलते हैं? बर्थ रेट। मोर्टलिटी डेथ रेट, ठीक है। यानी कि जो हमारा डेथ रेट होता है उसको हम क्या बोलेंगे? मोर्टलिटी। और जो हमारा बर्थ रेट होता है उसको हम क्या बोलेंगे? नेटलिटी। ये हमारा सर्वाइवरशिप कर्व, इससे रिलेटेड CSIR नेट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सिर्फ इस कर्व से ही मैं बोल रही हूँ, ठीक है। इस ये कर्व आपको दे देंगे या फिर लिख देंगे टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड, टाइप थर्ड। और बताइए कि इसमें से टाइप फर्स्ट कौन सा, हाईली कॉन्वेक्स कर्व कौन सा है, कॉनकेव कर्व कौन सा है, आपको ये बोल देंगे, ठीक है। जो हमारा ये टाइप फर्स्ट है इसको हम क्या बोलेंगे? हाईली कॉन्वेक्स कर्व, ठीक है। ये वाला जो उभरा हुआ पार्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स बोलते हैं। और जो हमारा ये अंदर वाला जो पार्ट है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? कॉनकेव बोलते हैं, ओके। और जो स्ट्रेट लाइन है ये हमारा टाइप सेकंड। मेन फोकस करना है आपको टाइप फर्स्ट एंड टाइप थर्ड के ऊपर, ठीक है। क्वेश्चंस यहाँ से काफ़ी ज़्यादा अराइज होते हैं फर्स्ट एंड थर्ड से। तो ये हमारा सर्वाइवरशिप कर्व है। सर्वाइवरशिप कर्व होता क्या है? सर्वाइवरशिप के कर्व के अंदर हम बताते हैं कि कितने नंबर्स ऑफ इंडिविजुअल्स सर्वाइव कर रहे हैं एट ए पर्टिकुलर एज, ठीक है। इस पर्टिकुलर एज पे इतने नंबर ऑफ जो हमारे सर्वाइवर्स हैं वो इतने हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या आया? हमारा नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आए, यहाँ पे हमारी क्या एज आई, ठीक है। एज के अकॉर्डिंग कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स सर्वाइव कर रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? सर्वाइवल कर्व। नेक्स्ट हम इनके बारे में बात करते हैं, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकेंड एंड टाइप थर्ड, ठीक है। तो जो हमारा टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड एंड टाइप थर्ड है, जो टाइप फर्स्ट होता है, ठीक है, वो क्या होता है? हाईली कॉन्वेक्स है, हाईली कॉन्वेक्स कर्व है। पूरी लाइफ स्पेन के अंदर इसमें जो मोर्टिलिटी रेट है, ठीक है, वो क्या होता है? लो होता है। यानी कि ये अपनी पूरी लाइफ स्पेन जीते हैं। जैसे कि हम लोग हो गए, डियर हो गया, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं कि अगर एक्सीडेंटल वाला केस को हटा दिया जाए तो हम एक जो हमारी पूरी एक एज होती है चाइल्डहुड से लेके अपना ओल्ड एज तक हम पूरी लाइफ जीते हैं, ठीक है। एक नॉर्मल इंसान की बात की जा रही है, एक्सीडेंट वगैरह जो डेथ होती है उन सबको इसमें कंसिडर नहीं किया जा रहा है, ठीक है। तो वो कस में आते हैं हमारे टाइप फर्स्ट के अंदर आते हैं। टाइप फर्स्ट को हम इटेरोपोरस भी बोलते हैं। इटेरोपोरस मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसमें पूछ लेते हैं कि इटेरोपोरस आपका कौन से सर्वाइवल कर्व शिप के कौन से एरिया के अंदर आता है। तो आता है हमारे टाइप फर्स्ट के अंदर। इटेरोपोरस क्या होते हैं कि ये ब्रीड करते रहते हैं टाइम टू टाइम, ठीक है। यानी कि सेवरल टाइम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर लाइफ स्पेन दे ब्रीड, ओके। उसके बाद आता है हमारा टाइप थर्ड के बारे में। पहले हम बात कर लेते हैं टाइप थर्ड, जो कि हमारा ये वाला है कॉनकेव कर्व, ठीक है। इसके बारे में फर्स्ट हम बात कर लेते हैं। टाइप थर्ड को हम सेल्मोनोपोरस भी बोलते हैं। जैसे इसको इटेरोपोरस बोल रहे थे ना, ऐसे हम टाइप थर्ड को क्या बोलते हैं? सेल्मोनोपोरस। टाइप थर्ड के अंदर हाई मोर्टिलिटी रेट होता है ड्यूरिंग यंग एज। यानी कि यंग एज के अंदर ही मोर्टिलिटी रेट यानी कि डेथ रेट काफ़ी ज़्यादा मिलता है उस वो इसलिए उसका जो कर्व है वो कॉनकेव शेप का है। अगर आप यहाँ पे ध्यान दे रहे होंगे, जो हमारा कर्व है वो क्या है? कॉनकेव शेप का है। यानी कि यहाँ पे जो यंगर एज के अंदर ही आपको मोर्टलिटी रेट काफ़ी ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। इंडिविजुअल्स नीड इस्टेब्लिशमेंट, ये जो इंडिविजुअल्स होते हैं इसके उन्हें एक इस्टेब्लिशमेंट चाहिए होता है, ठीक है। अगर वो स्टेबल हो गए उस एज के बाद, यानी कि अगर वे यंगर या लार्वल स्टेज से वो निकल गए, उन्हें इस्टेब्लिश कंडीशंस मिल गई, फेवरेबल कंडीशंस मिल गई, तो वे अपनी लाइफ अच्छे से जीते हैं, ठीक है। तो जो उनकी लार्वल या यंग स्टेज होती है, अगर वो उस लाइफ स्पेन से अगर वो निकल जाते हैं तो वो इजीली क्या कर सकते हैं? अपनी लाइफ स्पेन जी सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ओइस्टर और सेलफिश होती है, वो टाइप थर्ड वाला जो कर्व है उसको शो करती है, क्योंकि उनका मोर्टिलिटी रेट जो होता है वो एक्सट्रीमली हाई होता है ड्यूरिंग द फ्री स्विमिंग लार्वल स्टेज, जब वो लार्वल स्टेज के अंदर होते हैं, ठीक है। और इनको हम सेल्मोनोपोरस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एक ही अपने लाइफ में एक ही बार ब्रीड करते हैं, ठीक है। दे आर ब्रीड ओनली वन टाइम। एक ही बार ब्रीड करने की वजह से इसको हम क्या बोलते हैं? सेल्मोनोपोरस, ठीक है।
अब क्या आता है टाइप सेकंड। टाइप सेकंड के अंदर जो हमारा मोर्टिलिटी रेट था वो हर स्टेज के अंदर क्या था, इक्वल था। जब भी हमारा स्ट्रेट लाइन मिल रही थी ना, ठीक है, यानी कि हर स्टेज के अंदर जो हमारा मोर्टिलिटी रेट है यानी कि डेथ रेट है वो इक्वल है। जैसे कि सेवरल बर्ड्स माल न्यूट्रिशन ह्यूमंस, सेवरल जैसे बर्ड्स होती हैं हमारी माल नरिश्ड, ह्यूमंस जो होते हैं, मान लो कि जो ह्यूमन है वो पुअरली न्यूट्रिशन या पुअरली न्यूट्रिशंस है, ठीक है। मान लो कि जैसे किसी को कोई बीमारी है या वो नॉर्मल नहीं है, तो उसके जो चांसेस होते हैं मरने के, मतलब वो कभी भी उसकी डेथ हो सकती है, ठीक है। उसके लाइफ स्पैन के अंदर मान लो 0 से 7 ईयर तक जी रहा है, ठीक है, तो इसके बीच में वो कभी भी मर सकता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया कि कॉन्स्टेंट मोर्टिलिटी रेट एट ऑल स्टेज ऑफ लाइफ, हर स्टेज ऑफ लाइफ के अंदर उसका जो डेथ रेट है वो रहता है, ठीक है। हो सकता है कि वो इसी साल हो जाए, उसकी डेथ इस साल नहीं अगले साल हो जाए, ठीक है। तो ये आता है हमारा टाइप सेकेंड के अंदर। सम स्पेसीज हैविंग वन टाइप ऑफ सर्वाइवल कर्व ईयरली अर्ली इन देयर लाइफ स्पेन एंड अनादर एज एडल्ट। कुछ स्पीसीज होती हैं उनके पास वन टाइप का सर्वाइवल कब होता है ईयरली इन लाइफ के अंदर, यानी कि जो स्टार्टिंग स्टेज होती है लाइफ की उसके अंदर तो टाइप फर्स्ट पाया जाता है, ठीक है। फिर जैसे वो एडल्ट वाली स्टेज में चले जाते हैं उसके अंदर उनका जो टाइप दूसरा टाइप का मिलने लगता है, ठीक है, अनादर कर्व मिलने लगता है। स्टार्टिंग में तो टाइप फर्स्ट रहता है, उसके बाद एडल्ट होने में टाइप थर्ड एंड टाइप सेकेंड कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वो कौन कौन से होते हैं हमारे, हियरिंग गर्ल्स हैविंग टाइप थर्ड कर्व ईयरली इन द लाइफ एंड सेकेंड एज एडल्ट, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि जो हियरिंग गर्ल्स होते हैं उनके स्टार्टिंग में तो टाइप थर्ड वाला कर्व होता है, लेकिन जैसे ही वो ग्रो होना स्टार्ट होते हैं एडल्ट स्टेज के अंदर चले जाते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, ये टाइप सेकेंड कर्व को फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। इनका नहीं पता एडल्ट के बाद कि इनकी कब मोर्टिलिटी रेट आ जाए, यानी कि कब इनकी डेथ हो जाए, कुछ डिसाइडेड नहीं है, ठीक है। वो किस में आएंगे, हमारे टाइप सेकेंड कर्व के अंदर। एग्जाम्पल आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है ये हेरिंग गर्ल्स का, जो कि टाइप थर्ड सर्वाइवल के अंदर होता है ईयरली स्टेज के अंदर, और टाइप सेकेंड कर्व होता है हमारा एडल्ट स्टेज के अंदर। तो हमने क्या पढ़ा सर्वाइवल कर्व के अंदर, कि जो हमारा टाइप फर्स्ट कर्व है, ठीक है, वो क्या होता है, कॉन्वेक्स होता है। टाइप सेकेंड जो होता है वो स्ट्रेट लाइन होती है, कॉन्स्टेंट रहता है हर एज ग्रुप के अंदर। टाइप थर्ड क्या होता है हमारा, कॉनकेव होता है, यानी कि इसका जो मोर्टिलिटी रेट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, और टाइप फर्स्ट का मोर्टिलिटी रेट काफ़ी लो होता है, ठीक है। ये मेनली कहाँ पाए जाते हैं, ह्यूमंस के अंदर जो होते हैं, ह्यूमन जो नॉर्मल लाइफ जीते हैं, ठीक है, वो अपना पूरा कंप्लीट लाइफ साइकिल जीते हैं, लास्ट में जाके उनका मोर्टिलिटी रेट आता है, ठीक है, लो मोर्टिलिटी रेट रहता है। टाइप थर्ड क्या होता है कि ये अगर ये अपनी ईयरली स्टेज से निकल जाएं तो एडल्ट स्टेज के अंदर ये ग्रो कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि अपना लाइफ स्पेन जी सकते हैं। टाइप फर्स्ट के अंदर एक चीज़ और बताई थी मैंने कि ये टेरोपोरस होते हैं, यानी कि ये सेवरल टाइम ऑफ मतलब अपनी लाइफ के कुछ सेवरल सेवरल टाइम के बाद ये ब्रीड कर सकते हैं, लेकिन जो टाइप थर्ड वाले होते हैं वो सिर्फ अपनी लाइफ स्पेन के अंदर एक ही बार ब्रीड करते हैं, ओके। उसके बाद जो हमारा टाइप सेकंड है उसके अंदर उस बर्ड्स और माल न्यूट्रिस्ट ह्यूमंस आ रहे थे, यानी कि उनके ऊपर हमेशा ही ये रहता है कि इनका जो मोर्टली डेथ रेट है वो कभी भी आ सकती है, ठीक है, यानी कि इनका जो डेथ है वो इक्वल माना जाता है हर स्टेज के लिए। ये हो सकता है कि वो मतलब स्टार्टिंग किस एज में ही मर जाए, ठीक है, हो सकता है कि वो थोड़ा और जी के, हमने सोचा था कि 7 ईयर तक जिएगा लेकिन वो 14 की एज में मर रहा है, ठीक है। तो इनका जो मोर्टिलिटी रेट है वो इक्वल रहता है हर एज के अंदर, तो इसलिए टाइप सेकेंड जो होती है वो टाइप फर्स्ट और टाइप थर्ड दोनों के बीच में वाली आती है, ठीक है। फिर हमने एक चीज़ और पढ़ी कि कुछ जो होते हैं हमारी स्पीसीज़ वो क्या करते हैं, स्टार्टिंग में तो एक कर्व फॉलो करती है, एक सर्वाइवल कर्व फॉलो करती है, फिर लास्ट में जाके दूसरा सर्वाइवल कर्व फॉलो करने लगती है। तो ऐसी कौन सी स्पीसीज थी हमारी, हरिंग गर्ल्स की, जो कि स्टार्टिंग में तो अर्ली स्टेज के अंदर तो टाइप थर्ड फॉलो कर रही थी, लेकिन जैसे ही वो अपनी एडल्ट स्टेज में आए वहाँ पर उसने टाइप सेकेंड फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। इसलिए आपने यहाँ देखा भी होगा कि सेवरल बर्ड्स जो लिखी हुई हैं, सेवरल बर्ड्स जो हैं ये हरिंग गर्ल है, ठीक है,
जो कि टाइप सेकंड को एज ए आइडल स्टेज के अंदर फॉलो करती है, ठीक है। तो इसलिए टाइप सेकंड के अंदर रखी जाती है। और मालनरिश्ड ह्यूमन्स, मैंने आपको बताया ये है कि मान लो कि कोई किसी की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक है या वो बहुत ज़्यादा बीमार है, ठीक है, तो उसके जो मरने के चांसेस है यानी कि उसका जो डेथ रेट है वो हर दिन इक्वली रहेगा, ठीक है, चाहे वो आज उसकी डेथ हो या फिर 10 दिन बाद हो या कितने भी दिनों बाद हो, हमेशा जो उसका डेथ रेट होगा वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। वो कभी भी अपनी लाइफ स्पैन को छोड़ सकता है, यानी कि कभी भी उसकी डेथ हो सकती है। इसके अंदर जो ओल्ड एज ह्यूमन्स हैं, ठीक है, वो भी आ सकते हैं, यानी कि जिनकी 80 से 90 की एज वो पार कर चुके हैं, तो उनकी कभी भी डेथ हो सकती है, ठीक है। उसके चांसेस जो होते हैं वो कांस्टेंट रहते हैं हर दिन। अब बाय चांस क्या हो कि क्या पता वो कल उसकी डेथ हो जाए या परसों उसकी डेथ हो जाए, ठीक है, तो वो कौन से कर्व के अंदर आते हैं, हमारे टाइप सेकंड कर्व के अंदर, ठीक है। ये CSIR नेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस मिलते हैं CSIR नेट के टाइप सी पार्ट के अंदर, ठीक है। और आपको क्या करना है, अगर आपको मेरा लेसन पसंद आया है तो सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो लाइक, ठीक है, ये आपको दो काम करने हैं, और अच्छे से पढ़ना है, एग्ज़ाम देना है और नेट क्लियर करना है, ठीक है। थैंक यू टू ऑल।